हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रंजना और इस वीडियो में हम सिलिकॉन नैनोट्यूब बहुत ही रिसेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस पे अभी भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। और लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। सिलिकॉन नैनोट्यूब, सिलिकॉन नैनोट्यूब आर ट्यूब लाइक नैनो पार्टिकल विच इज मेड ऑफ द सिलिकॉन। सिलिकॉन नैनोट्यूब बेसिकली एक ट्यूब जैसा दिखने वाला है और उसमें उसको बनाया गया है सिलिकॉन की मदद से। और सबसे पहले जब हम सिलिकॉन नैनो ट्यूब बोलते हैं तो उसमें एक वर्ड नैनो आता है और नैनो का मतलब समझ लेते हैं। नैनो का मतलब होता है कि यह वर्ड जो है नैनो ग्रीक वर्ड से आया और जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर होता है और आप समझ सकते हैं कि ये कितना छोटा होता है। मीनिंग ऑफ नैनो ट्यूब, नैनो ट्यूब इज नैनोमीटर स्केल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और सबसे पहला जो नैनो ट्यूब था वो कार्बन नैनो ट्यूब ही था और उसके बाद यह सिलिकॉन नैनो ट्यूब एग्जिस्टेंस में आया। और दो और अभी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द सिलिकॉन नैनो ट्यूब अपीयर अराउंड द 2000। सिलिकॉन नैनो ट्यूब बेस्ड ऑन द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर यह बेस है और यह 2000 सन में इसका एग्जिस्टेंस हमारे और ये 2000 में इसका फेम हम हुआ। और सिलिकॉन नैनो ट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सिलिकॉन नैनो ट्यूब सिंगल वॉल, डबल वॉल, मल्टी वॉल, टेबुलर, हाई सरफेस एरिया नैनो ट्यूब है और यह है कुछ ऐसा दिखता है जैसे अगर हम लोग क्लासिकल की बारे में बात करें जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें जो गेट होता है वो आपको टॉप साइड पे दिखता होगा। बट सिलिकॉन नैनो ट्यूब होता है उसके इनसाइड गेट होता है और आउटसाइड दोनों ही गेट होता है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, इनसाइड भी गेट दिख रहा है आपको, आउटसाइड भी। और प्रैक्टिकली में जो हमारा सिलिकॉन नैनो ट्यूब होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। और थ्योरेटिकल हम ऐसा कुछ समझने की कोशिश करते हैं पर प्रैक्टिकल में ऐसा दिखता है। और 3D में कुछ इस फॉर्म में हम देख सकते हैं। और ये कैसे बनता है? वन मेथड टू प्रिपेयर सिलिकॉन नैनो ट्यूब इज द रिएक्टर इम्प्लॉय विद इलेक्ट्रिक आर्क विदाउट द यूज ऑफ द कैटेलिस्ट टू द इंश्योर द प्योरिटी ऑफ द रिएक्टर इवेल्यूटेड एंड द फील्ड विद द नैनो रिएक्टिव नोबल गैस आर्गन। एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ द नैनो ट्यूब रिली ऑन द प्रोसेस ऑफ द केमिकल वेपर डिपोजिशन की मदद से इसको बनाया जाता है। और क्लासिकल ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें आप हमेशा आपने देखा होगा उस ट्रांजिस्टर में जो गेट होता है वो टॉप साइड पे होता है और इसमें हम सिलिकॉन नैनो ट्यूब में देख रहे हैं वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही दिख रहा है। और नैनो वायर के बारे में बात करें, नैनो वायर इज माइक्रोस्कोपिक वायर दैट हैव द विड्थ मेजर इन द नैनोमीटर। और ये देख सकते हैं कि जैसे नैनो वायर है उसके बीच का जो डायमीटर भी मेजर करने में हमें उसको भी नैनोमीटर में देखना है। 500 नैनोमीटर, इट मीन्स 500 × 10^-9। आप समझ सकते हो कितना छोटा होता होगा उस एक नैनो वायर का डायमीटर निकालना कितना मुश्किल होता होगा। वाई द गुड आर द नैनो, नैनो वायर क्यों हमारे लिए अच्छा है? नैनो वायर में जो होता है डेटा ट्रांसफर बहुत ही अच्छा होता है, डाटा स्टोरेज और ट्रांसफर, बैटरी जनरेशन, बैटरीज और ट्रांजिस्टर, LEDs, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बायो केमिकल सेंसर, इन सब में हम लोग नैनो वायर का कहीं ना कहीं यूज करते हैं। नैनो जो ट्यूब होते हैं बहुत सारे होते हैं बट मैं इस प्रेजेंटेशन में सिलिकॉन नैनो के बारे में ही जिक्र किया है। कार्बन नैनो ट्यूब, बोरान नाइट्राइड नैनो ट्यूब, इनऑर्गेनिक नैनो ट्यूब। और पहले से हमारे पास एक कार्बन नैनो ट्यूब था तो हम सिलिकॉन नैनो ट्यूब के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये आपके माइंड में जरूर आया होगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जो कार्बन नैनो ट्यूब की, उसमें जो जो ड्रेन करंट और गेट वोल्टेज था उसमें कम था और सिलिकॉन में ये चीज़ हाई होती है। और ये सब करके अगर बात करें तो मोबाइल चार्ज जो डेंसिटी होता है कार्बन नैनो ट्यूब में कम होता है और सिलिकॉन में ज़्यादा होता है। क्वांटम कैपेसिटेंस भी बहुत कम होता है सिलिकॉन नैनो ट्यूब में, कार्बन नैनो ट्यूब में जो क्वांटम कैपेसिटेंस इसमें मिनिमम होता है और सिलिकॉन नैनो ट्यूब में हाई होता है। ऐसे आप इस ग्लेंस में देख के समझ सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें सिलिकॉन नैनो ट्यूब की तो
तो हाइड्रोजन स्टोरेज इन द फ्यूल सेल व्हीकल में इसका यूज करते हैं, ड्यूरेबल जो कैथोड लिथियम आयन बैटरी हो तो उसमें यूज करते हैं, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में, नैनो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में इसका यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं एक डिवाइस ये बनाई गई है और कितनी छोटी ये है, ये सिलिकॉन नैनो ट्यूब की डिवाइसेस की अगर बात करें तो हम लोग इससे जो हमारी जो ऑर्डिनरी बैटरी होती है आप देखते हैं उसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ही जल्दी हो जाता है, अगर हम सिलिकॉन का जो हम बैटरी जब बनाने लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाएगा ऑर्डिनरी से उसकी चार्जिंग स्पीड, और हम उसको ज़्यादा समय तक यूज कर पाएंगे। और एक और चीज़ है कि हम जैसे डायलिसिस जो पेशेंट होते हैं उनको उनके लिए जो डिवाइस जो यूज करते हैं वो बड़ी होती है साइज़ में, अगर सिलिकॉन नैनोट्यूब की जो डिवाइसेज आएंगी तो बहुत ही छोटी हो जाएंगी और उसे हम जो पेशेंट है वो उसको इजीली पोर्टेबल कर पाएगा। और एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन नैनोट्यूब इज सिलिकॉन नैनो वायर दैट कैन यूज इन द लिथियम आयन बैटरी, कन्वेंशन लिथियम बैटरी यूज फॉर द ग्राफिटिक कार्बन एंड बट इट रिप्लेस बाई सिलिकॉन नैनोट्यूब एक्सपेंटली इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक एनोड कैपेसिटी ऑफ द 10 टाइम फैक्टर ऑफ 10। इसमें यही बता रहा है कि हम जो कन्वेंशनल जो लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं उसके कंपेरिजन में हम सिलिकॉन की बात करेंगे तो उसका जो 10 गुना बढ़ जाएगा स्पीड। डिसएडवांटेज की बात करें सिलिकॉन नैनोट्यूब की तो सबसे बड़ी बात है कि यह डिस्पाइट ऑल द रिसर्च साइंटिस्ट स्टिल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट एग्जैक्टली हाउ दे वर्क, अभी जो साइंटिस्ट है वो भी अभी कम्प्लीटली नहीं बता पाएंगे कि वो कैसे ये वर्क कर रहा है सिलिकॉन नैनोट्यूब, अभी वो इस पर स्टडी चल रही है और ये काफ़ी छोटा होने की वजह से इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी होती है इसके साथ वर्क करने में, और ये दिस प्रोसेस आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस अ नैनो ट्यूब। अब नैनो ट्यूब बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है और इसकी लाइफ टाइम भी कम होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। और सबसे इसकी मेन बात है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग एंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। फ्यूचर स्कोप की बात करें इन फ्यूचर द ऑर्डिनरी बैटरी विल रिप्लेस बाय द नैनो वायर बेस्ड ऑन द बैटरी कम्प्लीटली बाय द नैनो वायर बैटरी इन फ्यूचर वी कैन हैव डिवाइसेज हैव हायर बैटरी लाइफ। जब सिलिकॉन नैनो ट्यूब का यूज करके जो हम बैटरी बनाएंगे उसकी जो बैटरी का लाइफ टाइम हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाय द इन्वेंशन ऑफ सम न्यू मशीन, बहुत सारे न्यू मशीन के भी आविष्कार होंगे, टेक्नोलॉजी के यूज होंगे, नैनो वायर हैज अ मोर 10 टाइम ऑर्डिनरी बैटरी। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।